डोमेस्टिक वायलेंस के इतने ज्यादा लॉज हैं, कोई भी आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो आप सिंगल कोर्ट में जाकर एक दरख्वास्त ही देनी है सिर्फ, तो आप तो अपना केस जो है सुना सकते हैं, आप अपने एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। आज आपके डिस्ट्रिक्ट में वन स्टॉप सेंटर है, महिला शक्ति केंद्र है, वन स्टॉप सेंटर जो है वो आपको शॉर्ट टाइम जो है वहाँ रहने की सुविधा भी देता है। जो लेडीज जो है डेस्टिट्यूट है या जिनको रहने का कोई सोर्स नहीं है तो वो कुछ दिनों के लिए वहाँ पे रह सकती है। ITI रोड पे है ये, आप वहाँ जा सकते हैं। चाइल्ड लाइन का नंबर मैंने आपको 1098 बता दिया है, कोई बच्चों के रिलेटेड इशू आप वहाँ बता सकते हैं। 181 जो है वो विमेन हेल्पलाइन का नंबर है, आपको कोई भी क्राइम कोई भी केस होता है तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। पॉक्सो के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि पॉक्सो जो है एक इतना मतलब इम्पोर्टेंट लॉ है, और उससे बचिए क्योंकि हाँ पॉक्सो में जो जिसके खिलाफ FIR लगाएगा अगर वो गलत साबित होती है तो जिसने FIR लगाई है उसके खिलाफ भी केस हो सकता है। ऐसे बड़े सारे केसेज हैं, हम सिर्फ इसी कमरे में रह के ये नहीं जान सकते कि पूरी रजौरी में क्या हो रहा है। रजौरी जो है क्राइम रेट्स में भी दिन ब दिन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये चीज़ें सारी या तो पुलिस को पता होती है या कोर्ट में पता होती है कि क्या हो रहा है। दूसरी ये चीज़ कि आजकल जो है ड्रग्स जो है वो सबसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, उन चीज़ों से बचिए। अगर आपके आगे पीछे भी लोग आपको दिखते हैं, आपको लगता है कि ये ड्रग एडिक्ट है या ऐसी इनमें चेंजेस आ रही हैं कि इसमें इन्वॉल्व हो सके, तो प्लीज़ उनको रोकिए। ये हम सबकी ड्यूटी है, सिर्फ एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या पुलिस डिपार्टमेंट या स्कूल का रोल नहीं है। ये हम सबकी मॉरल ड्यूटी है कि हमें अपनी सोसाइटी को ठीक रखना है, और हम अपनी सोसाइटी को तभी ठीक रख सकते हैं जब हम सब एकजुट होकर काम करेंगे। सिर्फ मेरे यहाँ बोलने से या सर के यहाँ बोलने से या आप में से कोई भी जो बोलेगा कुछ फर्क नहीं होगा जब सब हम एक साथ नहीं जुड़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और खास करके यंग गर्ल्स जो है यहाँ मैं देख रही हूँ, एक लड़की को जब आगे बढ़ना होता है तो बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। मैं किसी की एग्जाम्पल नहीं दूंगी, मैं आपको अपनी ही एग्जाम्पल दूंगी कि जब 2010 में मैंने कोर्ट ज्वाइन किया वहां पे 60 वकील थे जो मेल थे, एंड देयर वॉज नो फीमेल इन दैट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और जब मैं कोर्ट में जाती थी तो मुझे लगता था सारे मेल मेंबर्स हैं, यहाँ मैं टिक पाऊंगी भी या नहीं टिक पाऊंगी। तो जजेस ने बहुत सपोर्ट किया, शायद उनको लगता था कि यंग ब्लड है, एनर्जी भी है काम करने की, उनके अंदर उनको